फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। आज मैं एक नए प्लांट के केयर के साथ आई हूँ। आज आपको बताऊंगी इस प्लांट का केयर आप कैसे करें, प्लांट की केयर आप कैसे करें। फ्रेंड, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट का नाम ड्रेसिना मार्जिनाटा है। ये ड्रेसिना मार्जिनाटा प्लांट है। इसे बहुत लोग ड्रैगन प्लांट के नाम से या ड्रैगन ट्री के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले प्लांट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मार्जिनाटा, ड्रेसिना मार्जिनाटा प्लांट है। इसे ड्रैगन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली एक इंडोर प्लांट है। फ्रेंड, इंडोर प्लांट का मतलब होता है जिसे आप घर के अंदर इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, उसे इंडोर प्लांट कहते हैं। फ्रेंड्स, तो इसकी कई वैरायटीज आती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है ये प्लांट। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास तो इसकी 4 वैरायटी अवेलेबल है। तो मैं आपको पहले तो इसकी सारी वैरायटीज़ जो भी मेरे पास अभी 4 अवेलेबल है, मैं उसकी जूम इन करके इसकी आपको फ़ोटो दिखा दूँ, वीडियो दिखा दूँ। ये है पहला वाला, देख रहे हैं ये। फ्रेंड्स, दूसरा ड्रैगन प्लांट है मेरा, दूसरा ड्रेसिना मार्जिनाटा का वैरायटी है ये तीसरी है। फ्रेंड्स, ये जो मेरा प्लांट है, ये सबसे मेरा पुराना प्लांट है। मैं बोलूँगी कम से कम मुझे ये प्लांट बाय किए हुए एक साल हो गए हैं। ये जो 3 प्लांट है फ्रेंड्स, ये मैंने बाद में बाय किया है, इसलिए ये आपको छोटे लग रहे हैं। मैंने छोटे साइज़ के प्लांट्स ही बाय किए थे। और फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि आप तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैंने इस सारे प्लांट्स को कितने रुपये में बाय किए थे, कितने में ख़रीदा था, परचेज़ किया था। तो मैं बताऊं कि ये जो प्लांट है, ये मैंने 40 रुपीज़ लिया था, 40 रुपीज़ का वेंडर से लिया था, एक वेंडर से लिया था। ये 40 रुपीज़ का है। ये मैंने 60 रुपीज़ का बाय किया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये भी मैंने 60 रुपीज़ का बाय किया था फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं। और ये वाला भी मैंने 40 रुपीज़ में ही बाय किया था फ्रेंड। ये सारे प्लांट वही 60-70 के अराउंड सारे परचेज किए हैं मैंने, किसी का 40, किसी का 60, तो ऐसे ही इसके सारे रेट हैं। तो ये तो हो गई फ्रेंड्स इसके प्राइस की बात की मैंने इसे कितने में परचेज किया था। मैंने इसकी सॉइल बता दी, वाटरिंग के लिए बता दिया वाटरिंग सिस्टम क्या है। और तीसरी बात, मैंने इसके लिए फर्टिलाइज़र भी नहीं बताया है। तो फर्टिलाइज़र इसमें आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें या गोबर की खाद, जो भी अवेलेबल है फ्रेंड, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। गोबर की खाद बेस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है तो आप डालो, गोबर की खाद डालो, वो ज़्यादा अच्छी होती है, वो ईज़िली अवेलेबल भी है। तो गमले के हिसाब से, छोटा गमला है तो एक मुट्ठी डाल देना, बड़े में आप गमले के हिसाब से 10 इंच का गमला हो तो 4 मुट्ठी डाल देना फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो आप फर्टिलाइज़ करोगे इन प्लांट्स को, तो इसे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इन प्लांट्स को। आप साल में 1 से 2 बार 3 बार डाल सकते हो उसमें फर्टिलाइज़र। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता है फ्रेंड्स। लेकिन आपको अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप इसमें महीने में एक मुट्ठी डाल दिया करो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद फ्रेंड्स, उससे तो अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। मैं तो यही दोनों खाद हमेशा यूज़ करती हूँ। मैंने तो ज़्यादा इसमें वर्मी ज़्यादा तो मैंने यूज़ भी नहीं किया है इसमें अभी तो। मैंने सिर्फ, लगता है मुझे, इस बड़े वाले में 2 बार इसे फर्टिलाइज़ किया है और इन सबों में 1 ही बार अभी तक डाला है फ्रेंड्स। इसकी ग्रोथ, हेल्थ आप देख ही रहे हैं कि इसकी हेल्थ और ग्रोथ कैसी चल रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्रोपेगेशन मैंने शायद बताई है आपको कि इसकी प्रोपेगेशन स्टेम से होती है, जैसा मैंने दिखाया था आपको। ये देखो, ये मैंने यहाँ से ये कट कर दिया था इसकी स्टेम को,
ये बड़ा हो गया था प्लांट, तो कट किया था, यहाँ से बहुत सारे लीव्स निकल रहे हैं, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है, बुशी हो जाता है, घना हो जाता है फ्रेंड्स। इसकी प्रोपोगेशन इसकी स्टेम से ही होती है। इसकी मिट्टी को ज़्यादा गीली मत रखना, ना ज़्यादा सूखने देना। फर्टिलाइज़र आप मंथ में एक बार डाल देना, वो बहुत है इसके लिए। एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, वो इसके लिए बेस्ट खाद है। और क्या बताऊँ मैं, मैंने तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं इसके बारे में फ्रेंड्स। ये इंडोर प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है फ्रेंड्स। आप इसे अगर इंडोर रखा है आपने, तो इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना, जहाँ इसे हल्की लाइट मिलती रहे। अंधेरे जगह में मत रखना, जहाँ इसे लाइट ना मिले, तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा अगर आपने इसे अंधेरे में रख दिया है फ्रेंड्स। तो अगर आपने इंडोर भी रखा है, इनडायरेक्ट सनलाइट में भी रखा हुआ है, तो महीने में कम से कम फ्रेंड्स इसे दो से तीन बार इसे सनलाइट कम से कम 1 से 2 घंटे की ज़रूर दिखा दें फ्रेंड्स, क्योंकि सनलाइट के बिना प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं करता। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जिस प्लांट को मैंने सनलाइट में नहीं रखा है, वो प्लांट, उस प्लांट की ग्रोथ ही नहीं होती फ्रेंड्स। मैं आगे वीडियो में कभी आपको वो प्लांट भी दिखाऊंगी और उसके बारे में बताऊंगी भी। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें अपने ड्रैगन प्लांट और ड्रेसिना मार्जिनाटा प्लांट के बारे में आपको बता दी है, इसकी वेराइटीज़ के बारे में बता दी है। और अगर इस पर कोई पेस्ट लगता है, कीड़ा लगता है, तो आप उसके लिए अपने घर में पड़े डिश वॉश जिससे बर्तन धोते हो वो यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके मिक्स करके अच्छे से इस पर मंथ में एक बार स्प्रे कर देना, तो आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप हैंड वॉश यूज़ करते हो फ्रेंड, तो वो भी आप 4 से 6 बूंद 1 लीटर पानी में डाल के इस पर अप्लाई कर देना, इसके लीव्स पे, जहाँ जहाँ कीड़े होंगे वहाँ थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर देना। और मंथ में फ्रेंड्स एक ही बार करना, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और डिश वॉश और हैंड वॉश आप एक साथ अप्लाई मत करना, वरना प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहती कि आपका प्लांट ख़राब हो जाए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके लिए एक सबसे बेस्ट पेस्टिसाइड मैं बताऊंगी कि इसमें अगर आप नीम ऑयल की का स्प्रे करो, तो वो सबसे बेस्ट रहता है और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है प्लांट्स पे, क्योंकि वो नेचुरली एक ऑयल पेस्टिसाइड है, नीम है, हर्बल पेस्टिसाइड है, तो वो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं देगा आपके प्लांट को, हार्मफुल नहीं है वो। तो वो आप इसमें अप्लाई करें तो वो बेस्ट होगा इन प्लांट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने अभी तक आपको इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस दे दी हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत ज़्यादा शेयर करना। और फ्रेंड्स, अगर मेरे प्लांट का वीडियो पसंद आता है, तो इसे पसंद करना ज़रूर प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मैं अगले प्लांट की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकूँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।